और ये टूट गया भाई। कमेंट करके मुझे ये बताना कि आपका फेवरेट बैट या लकी बैट कौन सा है। लग गई सेंचुरी, आज पिंक बॉल से मैच होने वाला है। Hey guys, welcome back to another vlog of Cricket Cardio. I hope आप सभी अच्छे होंगे। बीच में स्टेयरिंग व्हील आ गया था। और सुनाओ, क्या हाल चाल है सबके? भाई मेरा हाल चाल अगर मैं आप सबको बताऊं तो ठीक भी है, नहीं भी है। रीजन बताऊंगा मैं, ग्राउंड में चल के दिखाऊंगा आप सबको। और आज भाई गुड़गांव में हमारा मैच होने वाला है। व्हाइट ड्रेस हमने पूरी पहन ली है, किट हमारी पीछे रखी हुई है। सुबह का हमने खाना वाना कर लिया है। जब भी मैच होता है मैं वर्कआउट करने नहीं जाता हूँ सुबह, तो वर्कआउट हमारा मैच के अकॉर्डिंग रहेगा। अगर मैच में ज्यादा थक जाऊंगा तो मैच के बाद मतलब जो जो बॉडी पार्ट, जैसे स्क्वाट्स मैंने विकेट कीपिंग करता हूं मैं, तो अगर स्क्वाट्स मैंने बहुत ज्यादा मार दिया तो लेग स्ट्रेन करने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। आज के ब्लॉग में हमारी पूरी कोशिश रहने वाली है सेंचुरी मारने की। यार बहुत टाइम हो गया है और भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं उसके लिए। अस्तित्व आने वाला है, यश नहीं आने वाला है, एक हमारा पुराना दोस्त आने वाला है मार्कशार्थ, उसको भी हमने बुलाया। बहुत पहले हम साथ में अकेडमी करते थे तो उससे भी मिलवा देंगे। तो अब सीधा चलते हैं ग्राउंड पे। यहाँ पे मैं बीच में रास्ते में रोक के इंट्रो शूट कर रहा हूँ। रिपोर्टिंग टाइम तो था अभी 10-15 मिनट में लेट हो जाऊंगा, बट कोई नहीं, चलते हैं। मुझे पता ही है भाई लेट ही स्टार्ट होना है मैच। तो भाई हम आ चुके हैं ग्राउंड में और ये रहे हमारे सुपर स्टार। आज तेरा भाई नहीं आया, आज तेरी बैटिंग आएगी। अच्छा कर रहा हूँ यार। 8 बजे के आसपास हम पहुंच गए थे। फिलहाल तो ना हमारी टीम में से कोई इतने आए हैं और ना दूसरी टीम में से आए हैं। आज देखते हैं टॉस जीत के हमारी क्या आने वाली है, बैटिंग आएगी बॉलिंग आएगी। भाई कोशिश तो हमारी रहेगी टॉस जीतो बैटिंग लो, बाकी देखते हैं आज टॉस में क्या होता है। अब सीधा हम आपको मिलेंगे टॉस के टाइम। आ गया। अभी तक क्या प्रैक्टिस कर रहा था ना। बता ही ना। तो टॉस हार गए हैं और आ चुकी है हमारी बॉलिंग। अब सीधा चलते हैं विकेट कीपिंग पे। सेंचुरी का तो पता नहीं, 40 ओवर विकेट कीपिंग जरूर करनी पड़ेगी। 40 ओवर का ही मैच है। ये रही हमारी बाकी की टीम यहाँ प्रैक्टिस करते हुए। मिलते हैं अब आपको सीधा विकेट कीपिंग के टाइम। एक्यूरेसी बहुत खराब है तेरी थ्रो की, तो रीच में भी नहीं देगा। तेज दे दे बट रीच में तो दे। आप तगड़े हो गए, 100-150 में निपटाते हैं, जल्दी कर चलते हैं। और मंजीत तू स्टार्ट कर रहा है, तेरे साथ बताते हैं कौन सा कर रहे हैं, ठीक है? सारे बोलेंगे 1-2-3 जय माता दी। पिंकी पिंक बॉल, ये रही भाई आज पिंक बॉल से मैच होने वाला है, ये देख लो। शुरू करते हैं आज का मैच। दूसरी टीम देखो कितने रन बनाती है, मजे आने चाहिए यार मैच में यार। ओ हाँ मेरी जान, मैं मजे में मार रहा था, मुझे लगा अंदर खड़ा रहेगा वो। आज भाई फास्ट बॉलर्स के लिए भी, आप सब के लिए गोप्रो का व्यू लेके आ रहा हूँ मैं, क्योंकि फास्ट बॉलर से पीछे से मज़ा नहीं आता होगा, आप दिख रहा होगा आपको। और आज हम पिंक बॉल के साथ मैच खेल रहे हैं। कैच, फील 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 फील, गुड वन गुड वन। यहाँ से एक निकल जाओ, एक स्लिप आ जाओ, बस सेम फील्ड है। बॉल गुड बॉल। बढ़िया बढ़िया कैच। कोई दिक्कत नहीं है। नॉट आउट।
गुड वन जाबाज आए यार। बोलिंग यार शबा भाई, क्या बात है भाई, पैर तो जा ही नहीं रहे, चलो शाबाश। हाथ फेर दिया पहले विकेट, एक दो तीन जय माता दी, फटाफट शाबाश, गुड बॉल। कोई दिक्कत नहीं इस बॉल में, इस बॉल में कोई कमी नहीं है, हाथ में दे दी थी वो तो थोड़ी प्लेसमेंट गलत होगी, इसे बैक करना चाहिए अपने बॉलर्स को, क्योंकि भाई पता है एयर में गई है, ये फील्डर के हाथ में भी जा सकती थी, ये थोड़ी हो जाती है कभी कभी लेफ्ट राइट, अपने बॉलर्स को बैक कीजिए, कोई बात नहीं यार, एक चौके से क्या फ़र्क पड़ता है, अगली बॉल पे ये आउट हो जाए तो हमारे लिए तो बढ़िया ही बात है, एक चौका का एक विकेट। गुड बॉल, अब बता इस बॉल के लिए क्या रखता, गुड वन यार, मार दे मार दे, गया 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 गया, कोई नहीं, थोड़ी ज्यादा ऊपर हो रही है, खींच ले भाई। आज की विकेट मैंने आप सबको नहीं दिखाई थी, देख लो ऐसी विकेट है, बिल्कुल पाटा लग रही है मुझे तो, पिछला मैच ये जो लाल यहाँ पे लगा रखी है इस वाले पे था मैच, इस बार इस वाली विकेट पे सेंटर विकेट, कहाँ चले फील्डर, मार बैटिंग, गुड बॉल बढ़िया डाल ऐसे, पकड़ हवा मैंग, कोई नहीं ज्यादा ऊपर दे दी, गुड बॉल देखा करो, सिंगल आता ही बैटिंग, थैंक यू, गुड बॉल। तो भाई वो एक रन आउट, थ्रो थोड़ी सी ऊपर हो गई थी बट तो भी रन आउट मिल गया, हटे यार, ये विकेट देने के लिए तैयार है यार, तू भी ऐसे डाल रहा है उसे, आउट, आउट, नहीं यार, फील्ड रुकेगी, फील्ड यार मंजीत, कैच, आउट दैट, स्लिक की आवाज आई थी, मुझे किस चीज की आवाज थी वो, आओ भाई बॉल यार, लवली बॉल, गुड वन गुड बॉल, ये वाला अगर तूने बीट करा दिया ना लेग अंपायर को गुड मॉर्निंग बोल दूंगा मैं, अभी भी बाहर है यार वो, अभी भी अंदर नहीं आया वो, क्लियर, अभी भी पता है, अभी भी उसने पैर अंदर नहीं रखा था, लो भाई इसका भी रिप्ले आप सबको दिखा देंगे, भाई वो स्टंप आउट था या फिर नहीं जरूर बताना कमेंट करके, भाई हेलमेट में डाइव मारना बहुत मुश्किल है, फिर रोल करना होता है विकेट कीपर को, जो फास्ट बॉलर की होते हैं, रोल कर ही नहीं पाया हेलमेट के साथ में, बॉल गुड बॉल, डालता रहे शाबाश, फील्ड यार, गुड वन यार, आउट दैट, अभी भी बाहर है यार, दे दिया,
अभी भी पता है घसीट घसीट के भाई, घसीट घसीट के आ रहा है पीछे भाई। कितनी बार स्टंप हुआ है यार गुड वाले, एक बार ही तो अंपायर कहते कि नॉट आउट। चलो इतनी अपील हो रही है तो दे ही देता हूँ। सभी ने अपील छोड़ दी उसके बाद उंगली उठाई की तरफ ही देख रहा था बाद में। 20 ओवर 103 रन 4 विकेट एंड चेंज होते हुए बाहर गई। पकड़ ले चौका। तो भाई 30 ओवर 171 रन 4 ही विकेट, पिछले 10 ओवर में कोई विकेट नहीं गिरी। कैच बेकार यार, गुड कैच। हवा का बहुत कुछ मैटर करता है, अब हवा क्या है उस साइड की चल रही थी, पिछले 10 ओवर जो भी वो इस साइड की शॉट मार रहे थे निकल रही थी। पहले सोच रहा 100 जाऊँ, फिर दोनों से ही चला जाता। बहुत ही बढ़िया डाइविंग कैच, 100 पहले 100 गया फिर दोनों हाथ से चला गया, और अब देखते हैं हैट्रिक बॉल हो पाएगी या फिर नहीं। ये कैच कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताना। आज आपको हेलमेट का व्यू दिखा रहा हूँ भाई। अरे भागिया 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 थ्रो भैया, मेरे को लगा एक बार तो भाई लगेगी नहीं लगेगी। अरे बैट लगा यार, बैट का नहीं पता मुझे। और यहाँ पे भाई स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ये बैट्समैन LBW आउट दे दिए गए थे, बट बैट लगा था मुझे तो कोई नॉइज़ नहीं आई थी, बट हाँ हमारे कैप्टन ने वापस बुला लिया। रहने दे मार दे मार दे बैटिंग, रहने दे, हो गया हो गया हो गया हो गया। कैच पकड़ ली, आज नहीं लग रहा था मुझे आएगी। एक विकेट आ गई, चालीस ओवर तो नहीं हुआ इस बार, इस बार बच गए। गुड बॉल यार, खेलना खेलना, चलो शाबाश। जीत रहा हार रहा, जीत गए ये तो जीत गए। जिताना हराना ये बता। विकेट कितने मिले तेरे आज? एक यार पर एक। क्या हाल है भाई, बड़े टाइम बाद आ रहा मार्क्स चार्ट भाई। कितने विकेट मिले आज? दो। ये भाई ये भाई भी थे, कहाँ से आए हो खेलने, कहाँ से आए हो ये बताओ भाई? लाजपत नगर से गुड़गांव आया, कितना टाइम लगा आने में भाई? 1.5 घंटे का ट्रैवल। और अब चलते हैं सीधा बैटिंग पर, हमने पैड कर लिया, वन डाउन जाने वाले हैं। दूसरी टीम ने बनाया 205 रन, हमने 37.5 ओवर्स में ही ऑल आउट कर दिए, और भाई आज विकेट कीपिंग करके मजे आ गए भाई। ऐसा कोई चीज नहीं, आज मैंने स्टंपिंग करी है, कॉट बिहाइंड करा है, रन आउट करा है, ऑलमोस्ट सारी चीजें ही करी है। जो भी पूछते हो भाई, स्कोरिंग क्रिक हीरोज पे होती है, क्रिक हीरोज हम यूज करते हैं लाइव स्कोरिंग के लिए। जो मेरा लकी बैट था उसके साथ क्या हुआ है बैट दिखाता हूँ, और उससे आज हम नहीं खेलने वाले, आज हम खेलेंगे सन्नी टन्नी SG के बैट से। भाई ये पूरा यहाँ से देखो पूरा जा चुका है, बहुत टाइम से बस चल रहा था बट टूट चुका है। अब नहीं हो सकता इसका कुछ? हो तो सकता है, करवाऊंगा ये, बट वैसा नहीं, वैसे साउंड नहीं आएगी ना जो पहले साउंड आती थी। बहुत रन निकाले इस बल्ले भाई, बहुत। लॉकडाउन से कुछ 4-5 दिन पहले लिया था, तभी लॉकडाउन लग गया था। ऐसे तो नहीं जाने देंगे इसे। ऐसा नहीं, तेरे पास तो पहला दूसरा बैट था ना, देख तो नीचे से करवा लियो रिपेयर।
इसका तो बैंड ही बैंड चढ़ेंगे अब। प्रैक्टिस कर रहे थे हम तो तब लग गई और ये टूट गया भाई। यस तो भाई 103 रन हो चुके हैं एक विकेट। अभी 100 से ऊपर कुछ और रन चाहिए 20 ओवर में ही। देखते हैं कब तक हम बना पाएंगे, क्या होएगा मैच में। लग नहीं रहा था मुझे आज बैटिंग आएगी बट हाँ आ गई। लगी है ये वेट यार। रुक रही है यार ये तो बहुत। You will have to hit sixes, not fours. मैं तो इसके ऊपर से मार रहा था। अरे ये तो है। भाई सेंचुरी तो नहीं लग पाएगी ऐसे में बट हाँ देखते हैं चेज तो कर ले जाएंगे। ओवर हो गया। पकड़ ले इधर। अब आजा एक और। आजा आजा बहुत दूर है तीर। आजा बल्कि आजा एक और आजा 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 आजा
देख ले फ्री बन के 3 रन आ गए। ब्रो यू वेरी चालाक ब्रो। ओके भाई सो इस वाले ब्लॉग में बोलूंगा लग गई सेंचुरी मेरी नहीं लक्षित की। अब तो आउट है। ये हो गया। खेल ले खेल ले। मैं सोचा था मेरे को झांक रही थी क्या। अब चाहिए 5। अरे खत्म करते हैं पर मारना छक्का ही से। देखते हैं भाई वो तो भाई वाइड फेंक दियो। बैटिंग यार बहुत बढ़िया बैटिंग। सनीटनी में जादू आ गया। जादू भाई बैट्समैन के हाथ में होता है। मैच हो चुका है खत्म और भाई हमारी टीम ने मैच जीत लिया है 9 विकेट से। एक लक्षित भाई ने तो आज सेंचुरी मार दी, वो बाद में रिटायर्ड हो गए थे। 1 रन चाहिए था और छक्का मारना था मुझे 50 के लिए, छक्का मार दिया तुम्हारे भाई ने और 50 हो गई 43 बॉल्स में और हम 9 विकेट से आज का मैच जीत गए भाई। और भाई एक बात बताना चाहूंगा कि लकी बैट भाई बिल्कुल था ये वाला और ये भाई हमारा टूट गया, अब इसको रिपेयर के लिए देंगे हम। यहाँ से पूरा टूट चुका है, बोलते हैं बस कि हाँ यार ये लकी बैट है और ये सब कुछ एक क्रिकेटर एक इंसान के हाथों में उसकी कला में उसके टैलेंट में होता है सब कुछ। भाई आज हमने ये नया बैट यूज़ करा और फर्स्ट 50 आज इस बैट से लगी है भाई। ये देख लो सन्नी टन्नी क्लासिक, इस बैट को हम बना रहे हैं एकेडमी में, इसी से खेल रहे हैं। और 6 ओवर भी पहले हमने खत्म कर दिया, वो भी बीच में हमने डेड कर दिया था कि जानबूझ के यार थोड़े बहुत बॉल्स खेल ले हम। अस्तित्व भाई की भी बैटिंग आ जाए बट नहीं आई। आप सभी लोग कॉमेंट करके मुझे जरूर बताना आपका लकी बैट कौन सा है, उसका नाम मुझे जरूर बताना कॉमेंट सेक्शन में। तेरा कौन सा भाई, तेरा कोई लकी बैट? SG का नेक्सस प्लस। SG नेक्सस प्लस कहाँ है वो? घर में। घर में ही है तो उससे नहीं खेलता? नॉकिंग करता हूँ। भाई का तो SG नेक्सस, मेरा भाई किसी टाइम पे SG के लार था बट अब सन्नी टर्नी के साथ खेलेंगे भाई, जिस बैट से बढ़िया रन लगे वही अपना लकी हो जाता है। बट हाँ यार इस बैट को भी ठीक कराएंगे KLR को भी और जल्दी आपको ये वाला बैट नजर आएगा दोबारा। अब आपको मिलेंगे जल्दी एक और नए ब्लॉग में। आई होप आप सभी को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। जय हिंद, नमस्कार, अपना ख्याल रखिए और क्रिकेट खेलते रहिए। बाय बाय। प्रैक्टिस कर रहा था मैं तो प्रैक्टिस करते करते एक आई थी बॉल और वो ऐसे नहीं जाने देंगे।